थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कंग्रेचुलेशन. जिस तरीके से भी मुझे पता चला कि ये इवेंट जो है वो कितना बड़ा है, मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी सारा विजन इस इवेंट के जरिए है. पर सबसे पहले मैं विकास सर का थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच सर, इसलिए क्योंकि आपने हमेशा इंस्पायर किया है. इसलिए नहीं कि मैं स्टेज पर हूँ, आप मेरे सामने हैं, और बहुत कम दफ़ा हो पाता है ऐसा कि आप आपके सामने वो आते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं. चूँकि डिजिटल क्या ज़माना है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो सर ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. एंड वी नो एक सीनियर आईपीएस होने के नाते आपके पास कितना सारा काम होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो आप हेरिटेज को लेकर कितना ज़्यादा उत्सुक रहते हैं. आई नो मतलब आज से 4 या 5 साल पहले हमारा ऑफिस आए थे, हमने लाइव स्टूडियो में बातचीत की थी. ऐसा नहीं एक बार कहा था कि एक्चुअली मुझे ना हेरिटेज को जानना बहुत 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 मज़ा आता है और एक ऐसा लगता है, एक ऊर्जा आती है अंदर से कि मुझे कुछ जानना है, डिस्कवरी करनी है. और आई थिंक यदि डिस्कवरी एक जो शब्द है आपके जहन में रहता है, वो किसी चीज़ को भी लेकर हो, वो हेरिटेज को लेकर हो, वो म्यूजिक को लेकर हो, वो साइंस को लेकर हो, वो स्पेस को लेकर हो, आपकी जिंदगी में यदि डिस्कवरी है तो आप अलाइव हैं, यू नो. सो या डिस्कवरी हमेशा ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए, यू नो. बहुत सारे लोग मुझे अक्सर पूछा करते हैं कि अंजलि तुम रेडियो पर या माइक पर इतना कैसे बात कर लेती हो. तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि भाई शहर, यू नो, कैसा चल रहा है, हर दिन कैसा चल रहा है, बातें कैसी हो रही हैं, सूरज वैसे ही उगता है, ढलता वैसे ही है, पर हर दिन शेड्स अलग होते हैं. आप आसमान में देखेंगे तो शेड्स अलग अलग होते हैं. किसी दिन बहुत पिंक होगा, किसी दिन बहुत ब्लू होगा, किसी दिन पिंक एंड ब्लू का मिक्सचर होगा, यू नो, हुआ नहीं है. बट बकायदा की पिछले 2 साल का हम वक्त देखें तो सबसे टफ टाइम था. स्टूडेंट्स को स्कूल जाना था, स्टूडेंट्स को अपने, यू नो, टीचर से मिलने के सामने बैठकर आपने जो एजुकेशन ली है, आई थिंक कोई स्पेशल एफर्ट मिलना चाहिए तो शायद इस जनरेशन को मिलना चाहिए. जिस तरीके से आपने इस कोविड की सिचुएशन में अपने आप को तैयार रखा और आप आगे बढ़ते गए, सो आई रियली वांट कि आप अपने लिए ताली बजाएं. ये कहना बहुत आसान होता है कि घर में बैठ के पढ़ाई कर लो, यू नो, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑल, हमें इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली थी. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यू गाइज आर अमेजिंग, यू गाइज आर इंस्पायरिंग. सो थैंक यू सो मच. एंड ये बिहार का भविष्य है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने आए हैं. लेट्स इंस्पायर बिहार. आई थिंक बिहार हैज अ इमेंस पोटेंशियल और इसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन आप डेटा कोई सा भी निकालो, वहाँ पे बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है. IAS, IPS, जहाँ से मैं हमेशा कहती हूँ कि ABCD to XYZ होता है, पर बिहार में ABCD to UPSC होता है. सो या सो आई थिंक नॉट ओनली UPSC, आई थिंक हमें हर फील्ड में आगे बढ़ना है. मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे रेडियो स्टेशन पे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो आए और वो बातें करें और मैं उनका इंटरव्यू लूँ. सो या बिहार इज सो है, मतलब बिहार हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल और मुझे अभी भी लगता है कि हमने उसको डिस्कवर नहीं किया है. बट आई थिंक हमारे साथ यदि विकास सर जैसे गाइड हो तो हम आगे बढ़ेंगे. एंड ऑल द बेस्ट. और इस मिशन के साथ अंजलि, आरजे अंजलि, मैं फुल सपोर्ट में हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार को भारत के साथ मिलाने की बात है. सो या थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक